नीतीश जी आपने राम जन्मभूमि आंदोलन पर भी खामोश रहे, आप नीतीश जी आप तीन तलाक पर भी खामोश रहे, नीतीश जी आप 370 का भी विरोध किया आपने, क्या चाहते हैं आप? ये देश के बदलाव के बड़े बड़े जो मानक हैं, राम जन्मभूमि का निर्माण, 370 के समाप्ति, उनके पार्टी के लोग भी, और आज मैं पहली बार मीडिया के सामने ये बात कह रहा हूँ कि मैं प्रभु राम जन्मभूमि के केस में हिंदू और प्रभु राम का वकील था, इलाहाबाद हाईकोर्ट में जीते तो मेरी सभा देश भर में हुई, क्या विषय था, क्या बहस किया गया, क्या फैसला, मुझे मेरा एक बड़ा कार्यक्रम पटना में भी आयोजित था, मैं बम्बई गया, थाने गया, पुणे गया, काशी गया, लखनऊ गया, दक्षिण भारत गया, मालूम हुआ नीतीश बाबू ने कहा रवि बाबू छोड़ दीजिए ना, काहे कि आपका तो टीवी पर सुनिए रहे, मतलब रविशंकर प्रसाद पटना के कार्यकर्ता, बिहार के वकील जो रामलला का केस बहस करके जीत के आए हैं, जिनकी बात भारत में लोग सुन रहे हैं, नीतीश बाबू यहाँ, मैंने मोबाइल क्षेत्र में इतना बड़ा नाम किया है प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से कि चीन से हम एप्पल कंपनी की फैक्ट्री ले आए, आज भारत से इस साल 1,00,000 करोड़ का मोबाइल एक्सपोर्ट हुआ है, एक पटना में खोलने की योजना थी, नाक रगड़ता रह गया, आग्रह करता रह गया सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री से, बेगूसराय चले जाइए ना, क्या मतलब है इसका, वो कम से कम 8,000-9,000 करोड़ खर्चा करते, नीतीश बाबू आपको उद्योग से क्यों परेशानी है, और आज जब शिक्षा पर इतनी बात हो रही है तो नीतीश कुमार से एक सवाल पूछूंगा, मोदी जी की सरकार ने बिहार में 2 राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिया कि नहीं, मोतिहारी में बोधगया में, 1 IIM दिया कि नहीं गया में, NIT आया कि नहीं यहाँ, एम्स आया कि नहीं, बाकी मैंने IT का कितना काम किया, NIT में पूछिए, IIT पटना में पूछिए, नीतीश बाबू आपके 18 साल के इस लंबे कालखंड में बिहार में कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई, कोई भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों नहीं आया, कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं आया, क्योंकि बाहर के लोग जानते हैं कि यहाँ शिक्षा से खिलवाड़ होता है और माफिया उसको मैनेज करते हैं, आज बिहार के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, डोमिसाइल का विषय उठाया गया है, और आपके मंत्री बोलते हैं कि बिहार में लायकियत की कमी है, हमें बहुत शर्मसार किया है नीतीश कुमार की चुप्पी ने उनके गैर जिम्मेवार शिक्षा मंत्री के टिप्पणी, चिंता मत करिए, पाप का घड़ा भरता है तो भरता है, 24 में हम लोग जीतेंगे और 25 में जीतेंगे, आज जो मैंने वहां पूछा था आज फिर पूछता हूं, नीतीश बाबू तेजस्वी जी के लिए कब कुर्सी छोड़ रहे हैं, तारीख तो बताइए, राम लल्ला का कब मंदिर बनेगा, ये तारीख तो हमसे पूछते थे, आज हम आपसे पूछते हैं तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनने की तारीख क्या है, मुझे मालूम है नीतीश बाबू आप कभी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस दिन आपने तेजस्वी जी को बिठाया उस दिन जदयू की पार्टी 0/0 हो जाएगी, इसलिए आप कुर्सी पर रहेंगे, और आप भी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है तो घूमते रहिए, UCC को लेकर विरोध हो रहा है, मीटिंग भी हो रही है, पार्लियामेंट के चेयरमैन साहब बोलेंगे किसका विरोध नहीं हुआ, 370 समाप्त हुआ कि नहीं, अरे थोड़ा सा 370 समाप्त हुआ कि नहीं, वहाँ आज तिरंगा लाल चौक पे लहराता है कि नहीं, राम प्रभु का मंदिर बनता है कि नहीं, विश्वनाथ जी का मंदिर काशी में बन गया कि नहीं, केदारनाथ का बन गया कि नहीं, तो 370 समाप्त हुआ, राम जन्मभूमि का महान मंदिर दुनिया का बन रहा है, और आतंकवादियों की उनके घर में घुसकर पिटाई होती है कि नहीं, 3 तलाक समाप्त हुआ कि नहीं, सबने विरोध किया था ना, उसी प्रकार से यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा।